ये एरियल सर्वे करते हुए पीएम मोदी की ये तस्वीर केरल के वायनाड की आपको हम दिखा रहे हैं। आज वायनाड के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर जो लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही मची उसका जायजा लेते हुए ग्राउंड और एरियल सर्वे पीएम मोदी आज वहां पर कर रहे हैं। ये एरियल सर्वे की, हवाई सर्वेक्षण की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और उनके साथ में केरल के सीएम पिनरई विजयन भी आपको नजर आ रहे हैं। तफसील से उनको समझाते हुए 400 से ज्यादा लोगों की मौत यहां पर हुई है, 138 लोग अभी यहां पर लापता हैं जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है, सैकड़ों की आबादी से प्रभावित हुई है। इससे पहले आप जानते हैं कि वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भी यहां जाकर के पीड़ितों से भी मुलाकात की थी और इलाके के बारे में जानकारी हासिल की थी। अब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हैं। वायनाड में अब तक 422 लोगों की मौत हो चुकी है, 138 के आसपास लोग अब भी वहां पर लापता हैं और जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चल रहा है और इसी बीच में पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हुए एरियल सर्वे करते हुए। बिल्कुल आशीष, हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं हमारे सहयोगी। आशीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम देख रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और ज्यादा जानकारी दीजिए जरा प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, क्या कार्यक्रम आज रहने वाला है उनका पूरा? जी देखिए, प्रधानमंत्री आज वायनाड पहुंचे हैं। वायनाड पहुंचने से पहले उन्होंने कन्नूर एयरपोर्ट पे उनका विमान लैंड किया। कन्नूर से उन्होंने हेलीकॉप्टर MI-17 हेलीकॉप्टर से वो कलपेटा पहुंचे जो वायनाड जिले का जिला मुख्यालय है। वहां से उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी हवाई सर्वेक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। करीब 1 से 1.5 घंटे ये प्रभावित क्षेत्र का दौरा होगा प्रधानमंत्री का। इस दौरान प्रधानमंत्री का जहां हवाई सर्वेक्षण होगा उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राउंड पर, जमीन पर जाकर पास के अस्पतालों में और रिलीफ कैंप्स में विक्टिम्स जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उसके अलावा एक रिव्यू मीटिंग का प्रोग्राम तय है प्रशासन के साथ, रेस्क्यूअर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, उनके साथ प्रधानमंत्री का एक रिव्यू मीटिंग है। हादसा 30 जुलाई को हुआ है, अब अगस्त का है और 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 422 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, 138 जो मिसिंग लोग हैं उनको ढूंढने का, काफी बड़ी तबाही है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मौके पर पहुंचकर खुद हालात का जायजा ले रहे हैं, राहत रेस्क्यू ऑपरेशन और क्या डिजास्टर कितना बड़ा है उसकी जानकारी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री केरला के पिनराई विजयन है, उसके अलावा राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के DGP, उसके अलावा गवर्नर जो केरला के हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को रिसीव किया था कन्नूर एयरपोर्ट से। दो केंद्रीय मंत्री जो हैं जो केरला से आते हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो दोनों भी प्रधानमंत्री के इस दौरे में प्रधानमंत्री के साथ है। तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री खुद जमीन पर पहुंचकर, खुद वायनाड पहुंचकर असेसमेंट कर रहे हैं कि ये जो डिजास्टर है, ये जो भयानक हादसा है, उसके बाद किस तरीके से पुनर्वास की जाए, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर कैसे जो लोग भी आपदा में से पीड़ित हैं उनको कैसे राहत पहुंचाई जाए। ठीक है आशीष, आप चूंकि वहीं पर लगातार बने रहे, आपने ग्राउंड पर उतरकर देखा वहां पर तबाही के निशान को भी, अब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हुए, ग्राउंड सर्वे भी वो करेंगे और साथ ही एरियल सर्वे वो कर रहे हैं, अभी तक कितना नुकसान वहां पर पूरे क्षेत्र को हुआ है आशीष, वो भी जरा आप बताइए। 422 लोगों की मौत हुई है, कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, आसपास के अस्पतालों में कितने लोग अभी भर्ती हैं, कितने लोग लापता हैं जिनके लिए वहां पर टीमें अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, ये सारी जानकारी एक बार फिर से बताइए दर्शकों को। जी देखिए, 30 जुलाई को ये हादसा होता, 30 जुलाई की तड़के दो लैंडस्लाइड जो है, ये वायनाड का चूरलमला इलाका है, मेपाड़ी ब्लॉक के अंदर चूरलमला गाँव है और उसके ऊपर एक और गांव है, दो गांव पूरी तरीके से इस भूस्खलन के, इस लैंडस्लाइड की चपेट में आते हैं और उसके बाद से ही लगातार राहत और बचाव कार्य जारी था। लगातार सेना के, नेवी के, उसके अलावा एयरफोर्स, उसके अलावा स्थानीय केरला डिजास्टर रिलीफ फोर्सेज और ढेर सारे स्वयंसेवी संगठन ये लगातार रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन कर रहे थे। अलग अलग राज्यों से भी राहत कर्मी पहुंचे थे, तमिलनाडु से पहुंचे थे, कर्नाटक से पहुंचे थे, तेलंगाना से राहत कर्मी पहुंचे थे और लगातार राज्य सरकार को हर एक संभव। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, तो ये पूरी जानकारी आपने दी है वायनाड को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद वायनाड के दौरे पर हैं और जो प्रभावित इलाके हैं उनका हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, ग्राउंड पर जाने का भी कार्यक्रम है और साथ ही पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।